हेलो गाइस, सैमसंग का सबसे अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन जो होगा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। ये स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है और साथ ही साथ इसके स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है और ये सैमसंग का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। अगर आप एक 5G स्मार्टफोन चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और इसका प्राइसिंग कितना रहने वाला है और ये कब तक इंडिया में देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G के सबसे पहले हम डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। 6.6 इंच की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 90Hz रिफ्रेश डिस्प्ले रहेगा। 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले देखा जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक रहने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G का डिस्प्ले फुल HD प्लस के साथ में हमें 90Hz रिफ्रेश डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G का। कैमरे के बारे में बात करते हैं तो ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 15MP प्राइमरी कैमरा, 2MP माइक्रो कैमरा, 2MP डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट में हमें 13MP कैमरा देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी M14 5G के रियर और फ्रंट कैमरा से फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा के मामले में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो सैमसंग का एक्जिनोस 1330 देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस तो हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा अब ये सैमसंग का एक नया प्रोसेसर है और यहाँ पर हमें कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। रैम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल ऑप्शन देखने को मिलेगा। 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल ऑप्शन देखने को मिलेगा और ये फोन रन करेगा एंड्रॉइड 13 One UI 5.0 पर देखने को मिलेगा। तो सैमसंग का UI बहुत ही बढ़िया रहता है, तो UI के मामले में बहुत ही बढ़िया रहेगा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो 5000mAh देखने को मिलेगा। 25W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बैटरी और चार्जिंग में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। अब बात करते हैं उसके फ्यूचर के बारे में तो साइड में देखने को मिलेगा साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC, 3.5mm ऑडियो जैक, लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा। तो फाइनली बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 5G के प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो प्राइस रहेगा 14,000 से लेकर 16,000 के अंडर रहेगा। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में हमें। अगर आप एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो लॉन्च डेट को लेकर अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है और एक्सपेक्ट लॉन्च देखा जाए तो मार्च मंथ पे रहने वाला है। तो आपको ये फोन कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में।